सब्सक्राइब कीजिए फोन एडवाइजरी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फोन एडवाइजरी, मैं हूं मनोज मेहरा, पेश है मेरा न्यू वीडियो। दोस्तों, इनफोकस ने विजन 3 नाम का फोन 7000 रुपए की कीमत में लॉन्च किया है, जो इस कीमत में काफी अच्छे फीचर लेकर आता है। कुछ ही दिन पहले Xiaomi ने Redmi Y1 Lite लॉन्च किया था 7000 की कीमत में, जो अपनी कीमत में बेहतरीन फीचर के साथ आता है। दोनों ही फोन अपनी कीमत में काफी अच्छे फीचर लेकर आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों फोन में से 7000 रुपए की कीमत में कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। दोनों ही फोन की हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, बिल्ड एंड डिजाइन की बात की जाए तो इनफोकस विजन 3 में आपको 5.7 इंच का 18:9 HD डिस्प्ले मिलता है, जबकि Redmi Y1 Lite में आपको 5.5 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है नॉर्मल। 18:9 2017 के एंड और 2018 के लिए लेटेस्ट फीचर है, जो आपको Redmi Y1 Lite में नहीं मिलता। तो स्क्रीन के मामले में इनफोकस विजन 3 आगे हो जाता है। साथ ही इनफोकस विजन 3 में आपको मेटल बॉडी मिलती है, जबकि Redmi Y1 Lite में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है। हालांकि Redmi Y1 Lite में पॉलीकार्बोनेटिक प्लास्टिक यूज किया है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन इनफोकस की मेटल बॉडी इससे ज्यादा बेटर है और लुक्स में दोनों ही फोन काफी अच्छे है। दोनों ही फोन काफी लाइट वेट है, दोनों का वेट 150 ग्राम है। कैमरा कंपैरिजन की बात की जाए तो इनफोकस यहाँ काफी आगे हो जाता है, क्योंकि इनफोकस में आपको बैक में ड्यूल कैमरा मिलता है 13+5 मेगापिक्सल का, जबकि Redmi Y1 Lite में आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। फ्रंट में Redmi Y1 Lite में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जबकि इनफोकस में आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों, कैमरे में बोथ साइड रियर एंड फ्रंट में इनफोकस विजन 3 काफी आगे हो जाता है। यूजर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो दोनों में ही 2GB रैम मिलेगा, 16GB आपको स्टोरेज मिलेगा। एंड्रॉइड नोगर दोनों फोन में आपको सेम मिलता है। MIUI 9 आपको मिलती है Redmi Y1 Lite में, इनफोकस में आपको इनफोकस की UI मिलेगी। UI की बात की जाए तो MIUI 9 इनफोकस की UI से काफी आगे है, काफी अच्छे फीचर्स, ड्यूल स्पेस, ड्यूल ऐप, रीडिंग मोड, काफी एक्स्ट्रा फीचर आपको MIUI में मिलेंगे। तो यूजर एक्सपीरियंस में डेफिनेटली MI का फोन Redmi Y1 Lite आगे है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर भी Redmi Y1 Lite आगे है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, जो इनफोकस के मीडिया टेक 6737 क्वाड कोर प्रोसेसर से बेहतर प्रोसेसिंग आपको देगा। लेकिन बैटरी के क्षेत्र में इनफोकस आगे है, यहाँ आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Redmi Y1 Lite में आपको 3080mAh की बैटरी मिलेगी। Y1 Lite की बैटरी आपके लिए दिन भर चल जाएगी एवरेज यूज में, और इनफोकस की बैटरी एक दिन से ज्यादा चल जाएगी। दोस्तों, अगर हम बिगर डिफरेंस की बात करें तो इनफोकस में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जबकि Redmi Y1 Lite में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। लेकिन Redmi Y1 Lite में आप 2 SIM के साथ एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट दिया गया है Redmi Y1 Lite में, जबकि इनफोकस में हाइब्रिड स्लॉट दिया है, आप 2 SIM या फिर 1 SIM और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा Redmi Y1 Lite में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि इनफोकस में आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास मिलता है, जहां कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता। तो ये तीनों ही चीज इन दोनों फोन में बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। कलर प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की बात करें तो इनफोकस फिलहाल ब्लैक कलर में ही आ रहा है, जबकि Redmi Y1 Lite आपको डार्क ग्रे और गोल्ड कलर में मिलता है। दोनों की ही कीमत 6999 रखी गई है। दोनों फोन आपको अमेजन पर मिलेंगे, Redmi Y1 Lite आपको MI.com पर भी मिल जाएगा। दोनों ही फोन दोस्तों अपनी कीमत में किलर फोन है। वर्थ इट की बात की जाए तो फीचर्स देखे जाए तो इनफोकस के काफी ज्यादा है। आपको कैमरा, मेटल बॉडी, बैटरी और फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ ही 18:9 का बड़ा डिस्प्ले आपको इनफोकस में मिलता है। कीमत सेम होने के कारण इनफोकस काफी आगे हो जाता है Redmi Y1 Lite से।
लेकिन अगर ब्रांड वैल्यू देखें तो एमआई की ब्रांड वैल्यू इनफोकस से ज्यादा है, क्योंकि एमआई के सर्विस सेंटर भी ज्यादा है और एमआई की पब्लिसिटी भी इस समय ज्यादा है, लोग ज्यादा पहचानते हैं, तो रीसेल वैल्यू भी एमआई के फोन की ज्यादा हो जाती है। लेकिन दोस्तों इनफोकस के फोन भी अच्छे आते हैं, 350 से ज्यादा सर्विस सेंटर इंडिया में है इनफोकस के। अगर आपके आसपास इनफोकस का सर्विस सेंटर है तो आप बिल्कुल इनफोकस का फोन ले सकते हैं। अगर आपके आसपास एमआई का सर्विस सेंटर है तो रेडमी वाई वन लाइट भी 7000 की कीमत में एक काफी अच्छा फोन है। दोनों ही फोन अपने प्राइस में काफी अच्छे है, लेकिन डेफिनेटली इनफोकस विजन 3 थोड़ा आगे है। इन दोनों ही फोन संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जो हमारे नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।